कानपुर के नवस्था स्थित गल्ला मंडी में ईवीएम में सबके भाग्य बंद है, वहीं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक संदिग्ध व्यक्ति के घुसने पर हड़कंप मच गया। मौके पर रचना सिंह मौजूद, विधायक इरफान सोलंकी ने सीधा सीधा बीजेपी पर साधा निशाना। साजिश करते हुए बताया कि बीजेपी की सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती हो, इलेक्शन कमीशन मामले को संज्ञान में नहीं लेता है तो हम लोग हाईवे जाम करेंगे। वहीं महाराजपुर विधानसभा के अध्यक्ष संतोष यादव ने सरकार को कोसते हुए चुनाव में साजिश बताया। कानपुर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। ज्यादा दूर भी नहीं गए थे, बिल्कुल बस करीब से चले आए थे। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, एंट्री गेट से जहां प्रत्याशियों को भी अनुमति नहीं है, डीएम को भी अनुमति नहीं है जाने की, वहां पे एक बंदा बिना बताए कोई प्रशासन उसको रोक ही नहीं रहा और वो स्ट्रांग रूम तक पहुंच गया। जब मैंने देखा तो वहां पे मैंने हस्तक्षेप किया और उसको तब पुलिस पकड़ के ले गई। और अब वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि मैं कहाँ से हूँ क्या नहीं, और कोई प्रूफ नहीं दे पा रहा है। प्रशासन सख्त निगरानी नहीं कर पा रहा है। जब एंट्री गेट से कोई अनभिज्ञ आदमी जा सकता है तो मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ कोई नहीं जा सकता है? वहाँ पे जहाँ पे अगर डीएम नहीं जा सकता तो वहाँ पे अनभिज्ञ आदमी कैसे चला गया, कैसे निगरानी हो रही है? और यहीं बड़ौदा बैंक है जो बंद पड़ी है और उसका एटीएम खराब पड़ा है, वहीं एटीएम में कंप्यूटर लेकर चार लड़के कंप्यूटर लेके बैठे उसको सही करने के लिए, किस तरीके से निगरानी हो रही भाई? यहाँ पे स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, ईवीएम रखा हुआ है, वहाँ पे तो सख्त निगरानी थी, कोई भी आएगा नहीं, कोई भी कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, तो बताइए प्रशासन किस तरीके से निगरानी कर रही है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन भाजपा में भी संलिप्त है, इसलिए गाड़ियाँ अंदर आ जा रही हैं। क्या लगता है आपको? साजिश है, प्रशासन की मिली हुई साजिश है। अभी हमने पुलिस कमिश्नर साहब को, डीएम को फोन मिलाया है, पूरी चीज़ से अवगत कराया है। उन्होंने हमसे कहा 10-15 मिनट रुकी, अगर 10-15 मिनट में वो हमें ऐसा जवाब नहीं देते जिससे हम संतुष्ट हो जाएं, वरना फिर ये बगल में हाईवे, हम हाईवे जाम करेंगे और ये मामले को पूरे इंडिया पूरे दुनिया में पहुंचाएंगे। यहाँ कानपुर का प्रशासन बीजेपी की हाथों की कठपुतली बने हुए, ये 5 मिनट का खेल नहीं, हमारे भविष्य का खेल है और हम अपने भविष्य के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बहुत मेहनत करी उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये उनके लिए एक कुर्सी का मामला पर हमारे लिए जीने मरने का मामला है। संतोष कुमार यादव जी। संतोष जी, क्या मामला हो गया था? क्या यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए लोग हैं, प्रशासन भी है, पे किस जगह पे? ये गल्ला मंडी है और ये सामने रखी है, मेरे विधायक थे पे गल्ला मंडी कौन सी है? ये नवीन गल्ला मंडी है और ये बाएं हाथ पे। नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या हुआ था मामला? मामला ये हुआ था कि हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी आए, वहाँ जा रहे थे ईवीएम के लिए, तो उनको नहीं जाने दिया गया। चलो ठीक है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद में हमारे विधायक जी लोकतंत्र की रक्षा करते को समझते हुए अपना इधर से चले गए। उसके बाद में गया है एक व्यक्ति जो अपने को अरविंद बताता है और एडवोकेट बताता है। उसके बाद में वो अंदर पूरा ईवीएम के पास और पूरा टहलते हुए गया, तो उसको जब पकड़ा चौकी इंचार्ज जी ने, तो वो कह रहा है कि मैं रचना सिंह को जानता हूँ, रचना सिंह इरफान सोलंकी के सामने बात कही। फिर रचना सिंह वहाँ आ गई हैं, उनके सामने भी रचना सिंह ने पहचानने से भी इनकार किया, बल्कि वो भी नहीं जानती हैं कि यह बंदा है कौन। फिर वो कहता मैं अमिताभ वाजपेयी को जानता हूँ, फिर कहता मैं फतेह बहादुर गिल को जानता हूँ, वो समाजवादी पार्टी के लोगों को जानता है, वो ये क्यों नहीं कहता कि मुझे योगी जी ने भेज दिया है या मोदी जी ने भेज दिया है? जहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, एक विधायक नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है, लोकतंत्र को बचाना भी है और लोकतंत्र की स्वच्छ छवि भी रखनी है, एक बंदा कैसे अंदर चला गया और वहाँ ईवीएम भी रखी नहीं है? मुझे तो ये लगता है कि जो बिकाऊ मीडिया है, क्या वो सारे लोगों से मिली है क्या? 10 लोगों से 20 लोगों से 50,000 लोगों से अगर दे के ये गाँव में नहीं जाते हैं जहाँ साणों ने चरा है, ये हाथरस की बेटी के पास नहीं पहुँचे, ये दलितों की जो 7 अत्याचार हुए हैं, बैकवर्डों के साथ सामान वर्ग के लोग भी मारे गए हैं, ये इनके पास नहीं पहुंचे, ये हवावाई लोग हैं मीडिया वाले, और ये जाके एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि किसी तरह से लोकतंत्र ना बचे, और ये हौसला तोड़ने का केवल काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का हौसला तोड़ने वाला नहीं है, ये नेताजी के लोग हैं, ये सड़कों में भी जान देते हैं और सरहद में भी जान देते हैं, इस लोकतंत्र को और देश को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे और रात भर आज जगेंगे, क्योंकि ये कल की रात लग रही है, इस तरह का खेल हो रहा है, गाड़ियां अंदर खड़ी हैं, बगल में एटीएम खुला हुआ है,